हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में। मित्रों, जो हमने चौहानों के बारे में अभी तक जो जानकारी प्राप्त की थी उसको आगे बढ़ाते हुए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अजय राज चौहान के बारे में। मित्रों, ये अजय राज चौहान जो थे, ये विग्रह राज तृतीय के पौत्र थे और विग्रह राज तृतीय के पुत्र पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। मित्रों, इनका जो शासनकाल था वो 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक था। और मित्रों, इन्होंने एक मतलब चौहान साम्राज्य को एक बहुत ही अच्छा जो है बेस जो है इनके द्वारा दिया गया था। चौहान साम्राज्य का निर्माण का जो काल है वो अजय राज के काल को कहा जाता है। अजय राज जो है मित्रों, चौहानों के दूसरे प्रतापी शासक हुए चौहान वंश में। और मित्रों, अजय राज के शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये जो शासक थे इतने इम्पोर्टेंट थे अजय राज चौहान वंश के, कि इनके जो साम्राज्य का इनके जो शासन का काल था 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक, वो चौहान वंश का निर्माण काल था। मित्रों, पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय मित्रों एक ग्रंथ जिसकी लेखक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जब मैं चौहान वंश के जो मुख्य स्रोत है जानकारी के उनके बारे में जब आपको बता रही थी तो मैंने पृथ्वीराज विजय का उल्लेख किया था। मित्रों, पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक द्वारा लिखी गई है और ये पूरी तरह इसमें चौहानों की जो कहानी है उसके बारे में बताया गया है। मित्रों, पृथ्वीराज विजय में इसके अनुसार अजय राज ने मित्रों 1113 ईस्वी में अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। मित्रों, अजय मेरु दुर्ग जो है राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति अजय मेरु दुर्ग के बारे में जानता है। मित्रों, काफ़ी फेमस दुर्ग है और इस दुर्ग का अभी मैं फ़िलहाल मित्रों यही बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो अजय राज के बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको अजय मेरु दुर्ग के बारे में इतना ही बताऊंगी कि इस अजय मेरु दुर्ग का जो निर्माण है वो अजय राज द्वारा करवाया गया और इन्होंने ही अजमेर बसाकर अजय मेरु दुर्ग के चारों तरफ इन्हें अजमेर नगर बसाया और मित्रों उसको अपनी राजधानी बनाया। और मित्रों, बीठली ये जो दुर्ग है, ये बीठली नामक पहाड़ी पर इसका निर्माण हुआ है, इसलिए मित्रों इस दुर्ग को गढ़ बीठली भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि गढ़ बीठली क्यों कहा जाता है, तो बीठली नामक जो एक पहाड़ी है उस पर इस दुर्ग का निर्माण हुआ है, इसलिए मित्रों इस दुर्ग को गढ़ बीठली भी कहा जाता है। मित्रों, अजय राज चौहान जो थे इनको अजय राज चक्री भी कहा जाता था। अजय राज चक्री क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनके आसपास जो शत्रु बिखरे हुए थे चारों तरफ, इन्होंने इनके साथ युद्ध किया और उन्हें जीत लिया। शत्रु दल को, अपने बिखरे हुए शत्रु दल को इन्होंने जीत लिया और ये क्या है, चक्रवर्ती विजेता शासक थे ये चौहान वंश के। मित्रों, अजय राज ने सिक्के भी दिलवाए जिनमें उन्होंने इन्होंने अपने नाम से सिक्के चलाए और उसमें श्री अजय देव और मित्रों अजय प्रिय दमस नामक इन्होंने उनके ऊपर अंकित करवाया। अजय प्रिय दमस, ये इनके अपने नाम से सिक्के थे। मित्रों, क्या क्या अंकित करवाया, श्री अजय देव व अजय प्रिय दमस। ये जो सिक्के थे मित्रों इन्होंने जो चलाए अजय राज ने, ये चांदी के सिक्के थे। इन सिक्कों की एक तरफ तो इन्होंने अपना नाम लिखवाया और दूसरी तरफ इन्होंने अपनी रानी जिसका नाम था सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाया। मित्रों, सोमलेखा को सोमलवती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोमलवती भी कहा जाता है। इनकी रानी के ये दो नाम थे, सोमलेखा और सोमलवती। मित्रों, अजय राज ने उज्जैन पर आक्रमण किया और मालवा के शासक, मालवा में इस वक्त परमार वंश का शासन था, कुल मालवा की परमार वंश की जो शासक थी जिसका नाम था नरवर्मन, इसको परास्त किया। उज्जैन मित्रों जो है वो एमपी का हिस्सा है वर्तमान में, और मालवा का जो हम पठार कहते हैं मित्रों वो भी लगभग एमपी में ही है। तो यहाँ जो शासन था किसका था, परमार वंश का, और अजय राज ने परमार वंश के शासक नरवर्मन को परास्त किया। और मित्रों, नरवर्मन का एक सेनापति जिसका नाम था सुलाहना,
इस लाड़ा को इसने बंदी बना लिया अजय राज ने, और मित्रों इसको जीत कर एक चौहान वंश की कीर्ति स्थापित की सुलाना को बंदी बनाकर। अजय राज ने मित्रों अपने अंतिम दिनों में जीते जी 1130 ईस्वी में अपना जो संपूर्ण शासन था वो अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? अर्णोराज। ये भी मित्रों चौहान वंश के प्रतापी शासक हुए। और मित्रों अजय राज ने अर्णोराज को राजकाज का भार सौंप कर मित्रों ये पुष्कर में चले गए, और पुष्कर में इन्होंने घोर तपस्या की। मित्रों इस पुष्कर को क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ, तो ये तपस्या करने के लिए कहाँ गए? कोंकण तीर्थ में चले गए, और अपना जो शासन था सब किसको संभाल दिया? अर्णोराज। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग के बारे में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।